स्वागत करता हूं दोस्तों, मैं हितेश गुप्ता आप सबका आपके अपने चैनल मार्केटिंग फंडास पे। दोस्तों आज हम जानेंगे व्हाट इज़ एएमपी और उसके फ़ायदे क्या हैं। दोस्तों अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड मोबाइल पे रॉकेट की तरह करनी है तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है एएमपी। तो दोस्तों इसके बारे में डिटेल में आप सीखेंगे इस वीडियो के अंदर और इसको आप अपने टेक्निकल लोगों के द्वारा अप्लाई भी करा सकते हैं। दोस्तों अगर आप एसईओ के साथ साथ कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल के थ्रू सीख सकते हो, बिकॉज लगभग 600 के आसपास वीडियोस चैनल में ऑलरेडी हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रैक्टिकल ट्यूटोरियल्स हैं। और इस साल 2021 में हम आपको 1000 के आसपास वीडियोस देने जा रहे हैं, 30-35 नई सीरीज देने जा रहे हैं, ताकि आप इन डेप्थ प्रैक्टिकल आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज हो दो। तो दोस्तों अगर आपने सीखना है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप कुछ मिस ना करें। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए या कंसल्टेंसी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो, हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हो, या दिल्ली में अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कोचिंग लेनी है, ट्रेनिंग लेनी है मेरे से, तो आप संपर्क कर सकते हो। सो दोस्तों जैसा कि आपने कई बार सर्च किया होगा गूगल पे कुछ भी, और कई बार आप किसी लिंक पे वेब पेज पे जाते हैं तो उसके बाद आपने नोटिस किया होगा कि वो वेब पेज इतनी तेज़ी से खुलता है आपके फ़ोन में जैसा कि वो पहले से ही आपके फ़ोन में लोड था। तो ऐसा किस वजह से होता है? वो होता है एएमपी की वजह से, एक्सेलरेटेड मोबाइल पेजेस। सो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे, जानेंगे कैसे आप अपनी वेबसाइट में एएमपी को इंस्टॉल कर सकते हैं। सो देखते रहिए पूरा वीडियो को। सो सबसे पहले एएमपी होता क्या है? एएमपी गूगल और ट्विटर ने मिलकर के एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था फ़ोन में सबसे फास्ट वेब पेजेस को लोड होने के लिए। सो किस तरीके से आप जब भी कोई ब्लॉग आर्टिकल पढ़ रहे होते हैं वो किस तरीके से सबसे फास्ट खुल जाते हैं इतनी तेज़ी से? क्यों? क्योंकि एएमपी उन वेबसाइट में इंस्टॉल्ड होता है। एएमपी बेसिकली एक एचटीएमएल वर्जन होता है आपकी वेबसाइट का, छोटा वर्जन जिसमें ना कोई एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट होती है, ना ही कोई सीएसएस होता है, ना कोई मोशन ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं। सो अगर आप देखना चाहेंगे कि आप फ़ोन में कुछ भी गूगल पे सर्च करते हैं तो कोई भी अगर एएमपी पेज होता है तो उसके आगे लाइट का ऐसे साइन बना हुआ आता है, और जो वेबसाइट पे एएमपी इंस्टॉल नहीं होता उसके आगे नॉन एएमपी पेजेस ऐसे दिखाई दे रहे होते हैं, इसके आगे कोई साइन नहीं होता। सो एएमपी वेबसाइट एक्चुअली फ़ोन में दिखाई कैसी देती है, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं। जैसे कि ये पेज है मार्केटिंग फंडास की वेबसाइट पे तो एएमपी इंस्टॉल नहीं है, बट एक सर्च इंजन जनरल वेबसाइट है जिसमें एएमपी इंस्टॉल है। सो आगे अगर आपको जानना है कि ये एएमपी वर्जन में इंस्टॉल है या नहीं तो आप इस लिंक को कॉपी करिए और गूगल पे सर्च करिए एएमपी टेस्ट। यहाँ पर आप रन टेस्ट करेंगे सो दिखाई दे जाएगा आपको ये एएमपी वर्जन की वेबसाइट है। यहाँ पर सर्च इंजन जनरल का लोगो लगा हुआ है। और वैसे आप देखना चाहेंगे कि अगर ये फ़ोन में दिखाई कैसी देती है, डेस्कटॉप में देखने के लिए आपको आगे ऐसे URL के एएमपी लगाना होगा और इसको एंटर करेंगे। सो देखिए ये फ़ोन में इस तरीके से वेबसाइट दिखाई देगी, यहाँ पर इसका मेन्यू आएगा ऐसे, और ना ही कोई एक्स्ट्रा यहाँ पे पॉपअप आ रहा है, ना कोई एड्स आ रही है एक्स्ट्रा, अगर आ रही है तो वो बीच में आ रही है बट वो बहुत तेज़ी से लोड भी हो जाएंगी, और नीचे आर्टिकल आ रहा है बस। ये सिंपल एक पेज है जो फ़ोन में स्पेशली खुलेगा और बहुत फास्ट खुलेगा जब भी। और गूगल में इसमें हेल्प क्या होगी? सबसे पहले सर्च इंजन में ये SEO में आपकी बहुत हेल्प करेगा, SEO में रैंकिंग गूगल देगा, डिस्कवर में आपके वेब पेजेस दिखाई देने लग जाएंगे, गूगल न्यूज़ में दिखाई देंगे बहुत फास्ट क्योंकि ये ओपन हो रहा होता है, जैसे कि गूगल का फैक्टर है पेज लोड टाइम का, तो ये SEO में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। सो अब बात करते हैं कि आप इसको AMP को अपनी वेबसाइट में कैसे लोड कर सकते हैं। सो सबसे पहले बात करते हैं वर्डप्रेस यूज़र्स की, जिनकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है उनके लिए तो सबसे बेस्ट एक प्लगइन है AMP, जिसका URL आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो AMP का ये ऑफिशियल प्लगइन है, जैसा कि आप जानते हैं इसके मिलियंस इंस्टॉल भी हैं। आप इसको अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में डालिए और जस्ट आपका काम हो जाएगा, जितने भी ब्लॉग आर्टिकल हैं आपके वो सब AMP वैलिडेट हो जाएंगे। और जिनकी वेबसाइट अब HTML पे बनी है, वर्डप्रेस पर नहीं बनी है, उनको क्या करना है? सर जस्ट आप गूगल पे जाइए, AMP वैलिडेट टूल सर्च करेंगे और आप इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर आइए, अपनी वेबसाइट का लिंक डालिए, AMP वर्जन सेलेक्ट कर लीजिए और वैलिडेट करेंगे तो आपको ये टेस्ट करके बता देगा आपकी वेबसाइट AMP वैलिडेट है या नहीं, और नहीं भी है तो किस वजह से नहीं है, उस सब HTML कोडिंग और JavaScript की एरर्स आपको नीचे चेकलिस्ट बता देगा। सो जस्ट आप ये चेकलिस्ट आप अपने डेवलपर को दे सकते हैं AMP वैलिडेट करने के लिए, या आप खुद भी अगर डेवलपर हैं वेबसाइट के तो आप कर सकते हैं। सो यही है इस वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।
तो दोस्तों आज हमने एएमपी के बारे में जाना है, उसके बेनिफिट्स के बारे में जाना है। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। आप कमेंट सेक्शन में जाकर हमें कमेंट कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप हमें अपने आइडियाज़ दे सकते हैं कि फ्यूचर में हम उसके ऊपर और वीडियोस लेकर आएं। दोस्तों अगर आप डायरेक्ट कोचिंग मेरे से लेना चाहते हैं दिल्ली में तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, या आप हमसे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या कंसल्टेंसी लेना चाहते हो तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पे जा सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।